सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 11 विराम चिन्ह करेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि विराम चिन्ह क्या होते हैं बेटा, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा है कि अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है बेटा, कि अपनी बात को समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे तब आपको इसका मीनिंग क्लियर पता लग जाएगा। ठीक है बेटा, इन तस्वीरों की तरफ देखिए बेटा, इनमें बच्चे आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रही है उनकी, तो उनको पढ़ते हैं हम। तो पहले ये बच्चों का एक ग्रुप है, इनमें से एक लड़की कहती है सिद्ध, श्रेया, रुद्री, सब इधर आओ। तो फिर वो कहती है एक लड़की, क्या बात है दीदी? फिर वो कहती है चलो सब कैरम खेलते हैं। फिर वो लड़की कहती है ठीक है दीदी, चलो खेलते हैं, लेकिन दीदी मुझे तो कैरम खेलना नहीं आता। अरे कमाल है, तुम तीसरी कक्षा में पढ़ते हो और तुम्हें कैरम खेलना नहीं आता, चलो आज सीख जाओगे। तो इससे हमें क्या पता चला बेटा कि उनकी बातचीत में कहीं कहीं रंगीन चिन्ह भी हैं। मीन जैसे ये बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कहीं कहीं रंगीन चिन्ह है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है, पूर्ण विराम है, यहाँ पर कोमा है, पूर्ण विराम है, यहाँ पर हैरानी का निशान है और यहाँ पर कोमा है और पूर्ण विराम है। तो ये क्या हैं सब बेटा, जो ये रंगीन शब्द हैं इनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। मीन्स जब हम अपनी बात किसी को सही ढंग से समझाना चाहते हैं तो हमें बीच बीच में कहीं पर थोड़ा कहीं पर पूरा रुकना पड़ता है। जहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ता है बेटे वहाँ पर तो हम कोमा लगाते हैं, और जहाँ वाक्य खत्म हो जाता है तो वहाँ पर हमारा पूर्ण विराम लगता है, और जहाँ पर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि क्या बात है दीदी, तो वहाँ पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, एक रुकने का संकेत है। ये हमें ये बोलते समय या लिखते समय ये बताते हैं कि कहाँ कितना रुकना है। मीन्स देखो, ये जैसा मैंने आपको बताया कि इन चिन्हों से हमें पता चलता है कि हमें बोलते या लिखते समय कहाँ कितना रुकना है। विराम का अर्थ होता है रुकना, और विराम चिन्ह का अर्थ रुकने का संकेत। तो इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि अपनी बात को सही ढंग से समझाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, यहाँ हम चार मुख्य विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है बेटा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का निशान ये है, देख लीजिए, ये पूर्ण विराम का निशान है। ये चिन्ह वाक्य समाप्त होने पर लगाया जाता है, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ तो ये पूर्ण विराम लग गया, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया। रिया भी मेरे साथ जा रही है, यानी वाक्य की समाप्ति पर जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। ठीक है बेटा, अब आ गया अल्प विराम। अल्प विराम मीन्स कोमा। ये चिन्ह थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए लगाया जाता है, जैसे विधि, निधि और नैना पार्क जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोमा लगाया जाता है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद तीन नाम ले रहे हैं, जैसे विधि, निधि और नैना, तो यहाँ पर कोमा लगेगा। थोड़ी देर में रेखा, नाज और पलक भी आएंगे, तो रेखा के बाद थोड़ा सा रुकना था और लास्ट में एंड में पूर्ण विराम लगना था। तो ये जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पर क्या लगता है बेटा, अल्प विराम। ठीक है, अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछते समय किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ, तो यहाँ वो पूछ रहा है, तो लास्ट में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। अब चौथा है विस्मयवाचक चिन्ह। ठीक है, जब हमें खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा आदि प्रकट करते हैं तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अरे मेरे भैया प्रथम आए, तो यह खुशी का चिन्ह है बेटा, तो ये इसको क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं इसको, और लास्ट में पूर्ण विराम। वाह मजा आ गया,
खुशी के कारण है ना, मैंने बताया चाहे खुशी हो चाहे गमी हो दुख हो तब भी यही लगता है। तो अब इसमें हमने क्या पढ़ा कि इन विराम चिन्हों के अलावा और भी कई विराम चिन्ह हैं, उनके बारे में हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। जैसे हमने क्या जाना इस पाठ से, सभी वाक्यों में कोई ना कोई चिन्ह जरूर होता है, इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों से हमें पता चलता है कि कहाँ कितना रुकना है। विराम का अर्थ है रुकना। कई वाक्यों में एक से अधिक विराम चिन्ह भी प्रयोग हो सकते हैं। मुख्य विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयवाचक चिन्ह। तो बच्चों अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पूर्ण विराम का चिन्ह है कोमा, प्रश्नवाचक या ये। इसका सही आंसर है ये पूर्ण वाचक का, पूर्ण विराम का चिन्ह है। आगे है अल्प विराम का चिन्ह। तो बच्चों आपको मैंने बताया था अल्प विराम होता है कोमा, तो कोमा हमारा ये है, ठीक है बेटा। प्रश्नवाचक चिन्ह वो होता है जहाँ पर कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका निशान ये है। विस्मय चिन्ह का निशान है ये खुशी गमी के लिए प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रों को देखकर एक एक वाक्य लिखिए तथा उचित विराम चिन्ह लगाइए। बेटा ये दो चित्र हैं, आपने इनको देखकर एक एक वाक्य लिखना है, उनमें आपने चिन्हों का लगाना है, चिन्हों का प्रयोग लगाना है, प्रयोग करना है। जैसे देखो यहाँ पर दो बच्चे हैं, एक बाजार जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो दूसरा बच्चा भी उसको कह रहा है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो यहाँ चित्र में हम ये वाक्य लिख सकते हैं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, यहाँ पर कोमा और लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह। अब इस तस्वीर को देखकर हम ये वाक्य बना सकते हैं कि देखो कितनी सुंदर तस्वीर है, यहाँ कोमा तो यहाँ पूर्ण विराम। ये भी लगा सकते हैं कि दीदी कोमा डाल के ये किसकी तस्वीर है, तो लास्ट में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। कुछ भी वाक्य आप अपनी तरह से बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह चुनकर लगाइए। जैसे मैं अपनी नानी के घर जा रहा हूँ, तो ये साधारण वाक्य है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, ठीक है। नीना रघु शिवानी इधर आओ, नीना के बाद कोमा, रघु नीना रघु शिवानी इधर आओ, वाह आ गया ना, तो यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह, कितनी ठंडी हवा है। तुम बड़े होकर क्या बनोगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये था बच्चों पार्ट 11 का अभ्यास। आपको इनमें फील करना है अपनी बुक में, आपको इन्हें अपनी बुक में फील करना है, ठीक है बेटा, और याद करना है। ओके, थैंक यू।